नमस्कार, भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास श्रृंखला का आज यह मेरा दूसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य की भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था, वैदिक संस्कृत से संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो यह हिंदी भाषा का विकास हुआ था। अब हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं हिंदी साहित्य के आविर्भाव के बारे में। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, प्राकृत जब खत्म होने लगी तो उसकी जो नई भाषा जो जिसने जन्म लिया हुआ थी अपभ्रंश, तो प्राकृत की अंतिम अवस्था कौन सी थी? अपभ्रंश। यहां से हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव माना जा सकता है। ठीक है, तो उस समय जैसे गाथा करने से किसका बोध होता था, एक मिनट, उस समय जैसे गाथा करने से प्राकृत का बोध होता था, क्योंकि जो गाथा लिखे जाते थे और किसमें लिखे जाते थे, प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, वैसे ही दोहा या फिर दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ठीक है, तो अपभ्रंश का प्रसिद्ध छंद कौन सा था? दोहा या दूहा था। तो दोहा या दूहा कहने से यह पता चलता था कि वह प्रचलित काव्य भाषा अर्थात अपभ्रंश में लिखा गया पद्य है अथवा काव्य है। अब यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? प्राकृताभास हिंदी। ये ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है, अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? प्राकृताभास हिंदी। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम के सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। कब पता चलता है अपभ्रंश का प्रयोग? तांत्रिक जो थे और योग मार्गी जो बौद्ध थे, जो सिद्ध कहलाते थे, इनकी सांप्रदायिक रचनाओं में इनका उपयोग किया जाता था, इस भाषा का, अपभ्रंश या फिर प्राकृताभास हिंदी का। ठीक है, और यह विक्रम के सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में इसका प्रयोग होता था। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया था उसे हिंदी साहित्य के से बाहर कर दिया है, बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि वे इन्हें क्या कहते हैं? सांप्रदायिक रचनाएं अथवा धार्मिक रचनाएं, इसे उन्होंने हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया है। इसके बाद आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है, असंदिग्ध मतलब जिसमें संदेह नहीं किया जा सकता, और कुछ संदिग्ध है। तो जो असंदिग्ध सामग्री है, जो प्रामाणिक सामग्री जो प्राप्त है, उसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है अर्थात प्राकृताभास है। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। प्राकृत की रूढ़ियों मतलब प्राकृत के जो नियम कानून है। आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। तो जो असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश है, या फिर प्राकृत भाषा के जो नियम कानून है उन पर आधारित हिंदी है। इसके बाद यहां पर उन्होंने बताया है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इनकी रचनाएं मिलती हैं, यह उस समय के कवियों की भाषा है। तो वास्तव में उन्होंने बताया कि जो अपभ्रंश है या फिर जो प्राकृताभास हिंदी है वह केवल कवियों की भाषा थी और आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, आम जनता इसका प्रयोग नहीं करती थी, बल्कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का प्रयोग केवल कवि लोग अपने काव्यों में करते थे। इसके बाद अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। ठीक है ना, 15वीं शताब्दी विक्रमी तक यह चलती रही। इसके बाद यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है यहां पर जो विद्यापति ने जो कहा है, यह बहुत ही प्रायः परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। मतलब देखिए, जो बोलचाल की जो पुरानी अपभ्रंश भाषा कवियों की भाषा थी और बोलचाल की देशी भाषा आम जनता की भाषा थी, इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है, और इन्हें अभिनय जयदेव भी कहा जाता है। इनका ये जो स्टेटमेंट है यह प्रायः परीक्षाओं में आता है कि यह किसका कथन है। तो विद्यापति का कथन है, देसिल बहना सबजन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा, अर्थात देशी भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इसमें वैसा ही अपभ्रंश देशी भाषा का मिला हुआ है। ठीक है,
तो देशी भाषा जो उन्होंने कहा है, बोलचाल की भाषा कहा है, उनका कहना है कि मीठी लगती है, लेकिन यहां पर जो मीठी भाषा है देशी भाषा, उसमें भी अपभ्रंश की भाषा मिली हुई है। तो इन्होंने लिखा हुआ है आदिकाल के प्रकरण वन में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आदिकाल का जो प्रकरण वन देखेंगे, मतलब अध्याय वन, तो इसमें यह लिखा हुआ है। और विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। अपभ्रंश तो कवियों की भाषा हो गई थी, तो कवियों की भाषा से हटकर जो प्रचलित बोलचाल की भाषा थी, इसे विद्यापति जी ने क्या नाम दिया है, देशी भाषा का नाम दिया है, जो आम जनता में प्रचलित थी। और ये मैं बता चुका हूं, उस समय गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता था, और वैसे ही दोहा या दुहा कहने से किसका बोध होता था, अपभ्रंश भाषा का, और या फिर लोक प्रचलित काव्य भाषा का। लोक प्रचलित काव्य भाषा क्या थी, अपभ्रंश थी, इसका बोध होने लगा। अब यह देखिए आचार्य भरत मुनि, ये भरत मुनि भारतीय काव्य शास्त्र में आप पढ़े होंगे, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि ने विक्रम की तीसरी शताब्दी, तो इनका समय काल को निश्चित नहीं है आचार्य भरत मुनि का, दूसरी शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक इसको बोलते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा है, देश भाषा ही कहा है। इन्होंने अपभ्रंश नाम नहीं दिया है, बल्कि लोक भाषा को क्या नाम दिया है, देश भाषा कहा है। लोगों में जो प्रचलित भाषा थी लोक भाषा, इसको इन्होंने अपभ्रंश नहीं कहा है, बल्कि क्या कहा है, देश भाषा कहा है। देश भाषा में लिखे गए गोरखपंत की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। तो गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ है, उसको भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है, और विक्रम की 14वीं शताब्दी के आसपास ये लिखे गए हैं, और ये गद्य और पद्य दोनों में है, और ये इनका कहना है कि ये केवल सांप्रदायिक शिक्षा थे, इसको इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया है। अब सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश थी, देश भाषा मतलब आम बोलचाल की भाषा मिश्रित अपभ्रंश भाषा थी सिद्धों की भाषा, या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है ना, पुरानी हिंदी की काव्य भाषा मतलब पूरी तरह जो अपभ्रंश भाषा थी जिसमें किसी का मिश्रण नहीं हुआ था। इसके बाद सिद्धों ने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा, जो उस समय गुजरात राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। आजकल जो परीक्षा में आ रहा है, कथन और कारण संबंध, कार्य कारण संबंध, या फिर एक स्टेटमेंट देता है, पूछा जाता है कि दोनों सही है, एक सही है, दो गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर पहला सही है और उसका कारण सही है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो यह सब आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो सिद्ध क्या है, उस समय जो व्यापक काव्य भाषा थी, जो सर्वमान्य भाषा थी, सिद्धों ने उसमें अपने काव्य रचना की, और जो गुजरात राजपूताने ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक पढ़ने लिखने के काम में लाई जाती थी, उस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए हैं। मगध मतलब आप वहां बिहार में रहने के कारण इनकी भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। तो पुरानी हिंदी जो व्यापक काव्य भाषा थी, उसका ढांचा किससे निर्मित हुआ था, सौर सैनी से जन्म लेने वाली अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली, है ना, ब्रज और खड़ी बोली अर्थात पश्चिमी हिंदी का स्वरूप निर्मित हो रहा था उस समय, उस पर आधारित था। इसके बाद सिद्ध कन्हप्पा, कन्हप्पा जो सिद्ध हुए हैं बहुत प्रसिद्ध, इनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पुरानी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या फिर पूर्वी बोली मिली है, इनके उपदेश की भाषा अलग है, उसमें जो काव्य भाषा प्रचलित थी वह भाषा है, और गीत की भाषा क्या है, जो बिहार में प्रचलित थी, पूरब में प्रचलित थी वह भाषा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से। और यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। तो कबीर दास जी और जो अन्य निर्गुण संत हुए हैं, उनकी जो साखी सबद और रमैनी है, ये इसी भाषा पर आधारित है। इन्होंने सिद्धों और नाथों से क्या लिया है, यही नाथों से यही लिया इन्होंने, है ना, सिद्धों से इन्होंने क्या लिया है, साखी रमैनी ये सब लिया है, और उनकी भाषा भी ली है। तो यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी और गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की जो भाषा होती है, चाहे कबीर दास की हो या फिर वो पुराने सिद्धों की भाषा हो, साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुकड़ी है। सधुकड़ी किसको बोलते हैं, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण होता है, राजस्थानी और खड़ी बोली का जो मिश्रण होता है उसे कहा जाता है सधुकड़ी।
पर रामायणी के पदों की भाषा में काल की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। साखी की भाषा अलग है, सदुकड़ी है, और रामायणी की भाषा क्या है, काव्य की ब्रज भाषा है और कहीं कहीं पूरब में प्रचलित बोली भी है। इसके बाद एक कीर्तिलता नाम की जो किताब है, कीर्तिलता पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता आदि का वर्णन है। बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रचते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पर छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। पूर्वी अपभ्रंश मतलब जो पटना वगैरह या फिर बिहार वगैरह में जो प्रचलित था, इसमें क्रियाओं के बहुत से रूप पूर्वी हैं। तो यह भाषा कैसी थी उस समय का, इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्णन किया है। तो अपभ्रंश भाषा में क्या लिखा गया है, दोहा, चौपाई, छप्पर छंद आदि लिखा गया है, और बीच बीच में देश भाषा का भी प्रयोग किया गया है जो आम बोलचाल की भाषा थी। इसके बाद अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। तो यद्यपि काव्य की भाषा अपभ्रंश भाषा थी, लेकिन उसमें जो प्राकृत भाषा के जो नियम कानून थे, जो परंपराएं थी, उसी का पालन किया जा रहा था, और संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनका प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था, पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया इस अपभ्रंश में। लेकिन इसके जो नियम कानून थे वह प्राकृत भाषा के नियम कानून के अनुरूप थे। अब जो जो काव्य भाषा हुई, देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, क्यों तो तत्सम संस्कृत रखने में भी संकोच घटता गया। शारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। काव्य भाषा जब आम बोलचाल की भाषा के बहुत निकट आ गई, तब उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग के प्रति कोई संकोच की भावना नहीं रही, और कवि लोग संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करने लगे। इसका उदाहरण है शारंगधर के पद्य और कीर्तिलता। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में प्राय पूछा जाने वाला है प्रश्न यहाँ पर आ गया कि सदुकड़ी भाषा से मतलब क्या होता है। जैसे कबीरदास जी की भाषा को भी सदुकड़ी भाषा कहा जाता है, तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित जो भाषा होती है उसे खड़ी बोली कहते हैं। इसको इन्होंने सिद्धों से ग्रहण किया है ना, साखी सबद रमणीय सब जो काव्य के प्रकार हैं कबीरदास जी के। और डिंगल, और एक कबीरदास जी के ऊपर मैं एक स्पेशल एपिसोड लेकर आया हूँ मेरे दूसरे चैनल में, जिसका नाम है हिंदी चैनल। वहां पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पर मैं अलग अलग कवियों के ऊपर बहुत ही सारगर्भित वीडियोस लेकर आ रहा हूं, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे। तो डिंगल, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल का, अगर आप देखना चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। डिंगल भाषा किसको बोलते हैं, अपभ्रंश और शुद्ध राजस्थानी भाषा के मिश्रण को कहते हैं डिंगल। डिंगल बोला जाता है, अपभ्रंश और शुद्ध राजस्थानी भाषा के मिश्रण को बोलते हैं डिंगल। और पिंगल किसको बोलते हैं, राजस्थानी और ब्रज का जो मिश्रण होता है, राजस्थानी और ब्रज का जो मिश्रण होता है उसे कहा जाता है पिंगल। तो भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। तो बिसल देव रासो के बारे में इनका कमेंट है कि जब हम इसकी भाषा का परीक्षा करके देखते हैं तो वह भाषा साहित्यिक नहीं है, वह राजस्थानी है, लोकल लैंग्वेज है। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से जानी जाती थी। जो चारण कवि थे पिंगल भाषा में काव्य रचना कर रहे थे, और पिंगल किससे निर्मित है मैं बता चुका हूं, राजस्थानी और ब्रज, राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण करके जो चारण कवि थे वे काव्य लिखा करते थे। और अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, दोनों का मिला जुला, वह कहलाता था डिंगल। तो डिंगल और पिंगल क्लियर हो गया होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। इन्होंने डिंगल भाषा में जो लिखा हुआ था अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से उसको इन्होंने बाहर कर दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किन ग्रंथों को शामिल किया जाना चाहिए, केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों पर ही विचार कर सकते हैं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। और इसके बाद पृथ्वीराज रासो के संबंध में इनका क्या स्टेटमेंट है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं और उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, इसमें कोई व्याकरण वगैरह का ध्यान नहीं दिया गया है इनके हिसाब से पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से पूरी तरह से संदिग्ध है,
और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरी तरह से जाली ग्रंथ ठहराते हैं। जाली है मतलब फर्जी ग्रंथ है इनके हिसाब से। दो फिर इन्होंने लिखा है पृथ्वी रासों के संबंध में, इन्होंने लिखा है दोहों की और कुछ कुछ कवित्तों छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है, त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांश शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। तो इनका कहना है कि इनकी भाषा से संतोष नहीं है। चंदवरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, इसकी जो भाषा, इसके जो छंद है, इनको लगता है कि यह संस्कृत और प्राकृत का नकल किया गया है, तो इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो भी बात बोलते हैं खरा खरा अपनी बात बोलते हैं, और इनके हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो पढ़ते हुए बहुत मजा भी आता है, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए बिना किसी तनाव के, बहुत ही आराम से प्यार से। और इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो के संबंध में ये बात लिखी है, कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में भी मिलती है। मतलब भाषा धीरे धीरे परिमार्जित हो रही थी, ऐसा उनका मानना है कि कहीं कहीं भाषा बहुत अच्छी दिखाई देती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के। तो पहले जो प्राचीन जो प्राकृत भाषा चली आ रही थी परंपरा से, जो अपभ्रंश भाषा चली आ रही थी, वैसी भाषा हमको दिखाई देती है, और कहीं कहीं पर हमको क्या दिखाई देता है, आधुनिक भाषा का स्वरूप वहां पर दिखाई हमको देता है पृथ्वी रासों के संबंध में। हो सकता है कुछ बातें उसमें बाद में जोड़ दी गई हों, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद खुसरो की हिंदी रचना में, अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि का दर्जा दिया जाता है, और खुसरो की हिंदी रचना में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, एक तो ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया है, और ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने कहाँ किया है, पहेलियों में, मुकरियों में और दो सखुनों में मिलती है ठेठ खड़ी बोली, यद्यपि इसमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक हमको दिखाई देती है, पर गीतों और दोहों की भाषा, जो इन्होंने गीत लिखे जो दोहे लिखे, इसकी भाषा ब्रज या फिर मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। मुख प्रचलित मतलब आम जनता में जो लोकप्रिय भाषा थी, जो सिर्फ गाते थे उसको, तो यह काव्य भाषा है। तो दो प्रकार की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। ये जो सारे बातें हैं ना, कार्य कारण कथन और कारण संबंध में, ये सब आते हैं स्टेटमेंट और उसका कारण वाले में। ठीक है, एसर्शंस एंड रीजन एंड आर करके जो आता है वैसे में, तो आप मेरे किसी भी लेक्चर में को बहुत लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं तथ्यात्मक विवरण लेकर आता हूं और बहुत कुछ आपको समझाता हूं जो आगे आपकी परीक्षा में काम आने वाले हैं। इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, यही ब्रज भाषा देखकर, कौन सी ब्रज भाषा, जो मुख्य प्रचलित ब्रज भाषा थी या काव्य भाषा थी, यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। आज विद्वान यह मानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी की दो बेटियां हैं, हिंदी की एक तो जो हिंदी हम जो प्रयोग करते हैं जिसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और दूसरा है उर्दू। तो ऐसा जब अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया तो इस ब्रज भाषा को देखकर जो उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक है प्रोफेसर आजाद, इनको यह भ्रम हो गया कि हो सकता है कि ब्रज भाषा से ही खड़ी बोली ने जन्म लिया। खड़ी बोली से यहां का तात्पर्य क्या है, अरबी फारसी जो रूप है खड़ी बोली का, जिसको हम उर्दू कहते हैं, वह निकल पड़ी। तो वास्तव में अंग्रेज जब हमारे भारत में आए तो उन्होंने उसको मुसलमानों की भाषा बना दी, उर्दू उनकी भाषा है, जबकि वास्तव में खड़ी बोली हिंदी के ही दो रूप होते हैं, एक जो हिंदी देवनागरी लिपि में हम जो लिखते हैं और एक जो उर्दू है जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। वास्तव में दोनों खड़ी बोली हिंदी की दोनों बेटियां हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है, विद्वानों का यह मानना है। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे, मतलब बाद की लिखी जो कबीर की वाणी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है। तो खुसरो के 200 वर्ष के बाद हमको हस्तलिखित प्रतिलिपि मिलती है, किसकी, कबीर की वाणी की। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर संत थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह किया, उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने कबीर की वाणियों का संग्रह किया, जिसमें तीन भाग हैं, साखी, सबद और रमणी। तो उनकी भाषा पंजाबी लिए हुए राजस्थानी है। अब अमीर खुसरो की जो भाषा थी वो कैसी थी, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। क्योंकि खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि का दर्जा दिया जाता है, तो उनको जो भाषा मिली हुई थी उस समय तक जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे वास्तव में वो भाषा प्रचलन में आ चुकी थी। अब कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार
देखिए अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। तो उस समय अंग्रेज लोग थे, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, तो अंग्रेजों का ध्यान भी किसमें था? बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। इसी तरह कबीर की भाषा क्या है? उपदेशात्मक भाषा है। तो वह साखियों और उनकी भाषा अलग है। कबीर की जो साखी सबद रमणी है उनकी भाषा कुछ अलग है, लेकिन जो खुसरो है उनकी भाषा बोलचाल के बहुत ही निकट है। ठीक है, क्योंकि खुसरो का क्या उद्देश्य था? जनता का मनोरंजन करना था। अमीर खुसरो का उद्देश्य था जनता को खुश रखना, जनता का मनोरंजन करना। बहुत ही मिलनसार विनोदी स्वभाव के थे। लेकिन जो कबीरदास जी जो निर्गुण निर्गुण संत थे, है ना, ये भक्ति काव्य धारा के निर्गुण भक्ति धारा जो काव्य धारा उसमें उसके ज्ञानाश्रय संत थे, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका मुख्य उद्देश्य था क्या था? उपदेश देना। तो इसलिए इनकी जो भाषा है वो थोड़ी अलग टाइप की भाषा थी। ठीक है, और इसके बाद सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, बिहारी और मैथिली के जो साहित्य जो स्थानीय भाषा में जो साहित्य लिखे गए हैं सिद्धों और नाथों के द्वारा, उनको उन्होंने अलग कर दिया है। और उन्होंने यहां यह भी बोला है कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन का भी यह कहना था कि जो बिहारी और मैथिली जो भाषा है वह मागधी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह हिंदी से अलग है। तो ये अपने सपोर्ट में ये बात रख रहे हैं। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसके शब्दावली वोकैबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का ही एक ही साहित्य माना जाता। तो ऐसा उनका कहना है कि यदि हम किसी भाषा को कैसे समझते हैं यह इस पर डिपेंड करता है कि हमको कितना वर्ड पावर है। जितनी अच्छी हमारी शब्दावली पर पकड़ होगी उतनी अच्छा हम हमारी समझ होगी। क्योंकि यदि हमको यह क्लियर नहीं पता होता ये अरबी फारसी के शब्द है और हिंदी का शब्द है, तो हम उर्दू के साहित्य को भी हिंदी साहित्य में शामिल कर लेते हैं। और यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता है, जबकि वास्तव में उर्दू का साहित्य अलग है और हिंदी का साहित्य अलग है। तो निश्चित रूप से यह एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे जो बताएं। साथ ही आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।